हमारे पास डेटा है, एक एक एम्प्लॉय की सैलरी डेटा है, आप देख लीजिए एक बार, डेटा को समझ लीजिए। तो सैलरी की डेटा है कि एक एम्प्लॉय कोड है, नेम ऑफ पर्सन है, हायरिंग डेट है, सैलरी अमाउंट है, बोनस है, ओवर टाइम है, और ये हमारा डिपार्टमेंट है, सिक डेज कितने दिन उसने छुट्टियां ली है, परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, किस सिटी में है और कौन सा महीना चल रहा है। पुनीत शर्मा जी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। तो चलिए इस पे हम कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से कुछ चीजें निकालते हैं। चलिए तो हमने इसके ऊपर पिवट टेबल लगाया एंड ओके करता हूं, मेरा पिवट टेबल आ गया, मुझे डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी का टोटल चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का टोटल निकाल लिया। अब देखिए सैलरी हर डिपार्टमेंट की ओवरऑल सैलरी है। अब हमारी कंपनी कहती है कि हमने डिपार्टमेंट को 15 लाख रुपए का एक ये दे रखा है कि वो 15 लाख से ऊपर की सैलरी पे खर्च नहीं कर सकते हैं, इस बजट या टारगेट कह लीजिए। तो मुझे इसमें देखना है कि कितना परसेंट कितना परसेंट बजट यूज हो चुका है किसका, ये चेक करना है। तो जनरली हम यहाँ सीधे इसको डिवाइड बाय 15 लाख कर सकते हैं, लेकिन ये पिवट का पार्ट नहीं होगा। जैसे हमारा पिवट रिफ्रेश करेंगे, पिवट आगे पीछे हिलेगा तो उसको रिप्लेस कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, इसलिए हम पिवट का पार्ट चाहते हैं। तो उसके लिए अब मुझे बजट जो जाके अपने डेटा में ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने डेटा में BUG बजट ये होता है ना, मैं स्पेलिंग भूल गया बजट का। अब मैं यहाँ पे 15 लाख के लाइक मैंने ऐड कर दिया। लेकिन देखिए पिवट टेबल डेटा में कुछ भी अगर आप चेंजिंग करते हैं तो पिवट टेबल में जस्ट आप रिफ्रेश करेंगे तो चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने क्या किया है कि अपने पिवट टेबल में एक नया डेटा ऐड किया हुआ है, तो डेटा ऐड किया तो क्योंकि पिवट टेबल लगा है यहीं तक लगा है ना, हमने एक नया डेटा ऐड किया तो पिवट टेबल में रिफ्रेश करते हुए चेंज नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे, चलिए हम वही आपको बताते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एनालाइज में और चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना होगा और मुझे अपनी पूरी डेटा को रीसेलेक्ट करके दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन ओके। और यहां पे बजट आ गया। अब मुझे इससे बाकियों को डिवाइड करना है, तो मैं सैलरी वाले फील्ड को उठाया और वैल्यू में एक बार और रख देता हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो फिल्टर कॉलम एंड रो का जो तीन ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन को एक ही बार किसी एक में रख सकते हो, लेकिन आपके वैल्यू वाले फील्ड में एक फील्ड को कई बार रख सकते हो, कोई इस दिक्कत नहीं है। फिर साइड में यहाँ पे एक जैरो निशान होता है, उस पर हमने क्लिक किया और गया वैल्यू फील्ड सेटिंग, जहां पे हम सम के अलावा एवरेज मैक्सिमम मिनिमम वगैरह लेते हैं, वो आप यहाँ से चेंज करते हैं, ले सकते हैं। उसी के बगल में आपके सामने है सो वैल्यू एज। अब सो वैल्यू एज पे मैं आता हूं, जहां पे नो कैलकुलेशन लिखा हुआ है। अब इस नो कैलकुलेशन को हमें चेंज करना है, अब इस नो कैलकुलेशन को हम यहां से परसेंटेज ऑफ चूज कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे बजट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ओके। आपके सामने दिख गया कि 83% है, 56% है, 61% है, तो आपको यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैलकुलेशन है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब परसेंटेज ऑफ है हमारे पास, उसके बाद मैं बोलूँ कि मैं टोटल कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ कि ओवरऑल से क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने बोल दिया ग्रांड टोटल।
तो ये जो टोटल है आपका, ये 8 लाख और 82 लाख का जो टोटल है, इसे सबको डिवाइड कर देगा। तो ये बता दिया कि भाई सबसे ज्यादा खर्च जो है हमारा 15% आईटी में हो रहा है। उसके अलावा यहाँ और क्लिक करते हैं तो मेरे पास और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कि कॉलम टोटल, रो टोटल, पैरेंट टोटल, उसके बाद डिफरेंस फ्रॉम, कि भाई कितना डिफरेंस रह गया है बजट से, भाई कितने रुपए की सैलरी और खर्च किया जा सकता है, वो चीज आपको यहाँ पर है। नहीं, आपको नहीं, मैं क्लास कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो यहां से आप चूज कर सकते हो आप। फिर यहाँ अगर मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊं और यहाँ पे मेरे पास इसके अलावा डिफरेंस परसेंटेज कितना परसेंट रह गया है, रनिंग टोटल जिसको हम लोग क्वालिटी टोटल भी कहते हैं वो लीजिएगा, तो आपके पास रनिंग टोटल भी आ जाएगा कि भाई ये था, फिर इन दोनों का ऐड होने के बाद ये हुआ। तो रनिंग टोटल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ से। मंथ हमने यहाँ पर रख दिया, वो मंथ में ब्लैंक है इस कारण से मंथ वाइज नहीं आएगा, तो क्वालिटी टोटल ले सकते हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ट्राई कीजिएगा इसमें, और कोई इसमें वो जितने भी ऑप्शन है सबको एक बार ट्राई करके देखिएगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप मुझे बताइएगा, हम आपको उसका बता देंगे, आपको तरीका बता देंगे। ये रैंक हो गया स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, कि भाई सबसे पहले नंबर पे सबसे छोटा सैलरी जो है परचेज टीम को गया है, दूसरा सैलरी हमारा टैक टीम को है, तीसरा सैलरी, अब इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। तो ये आपको रैंक ले गया लोएस्ट टू हाईएस्ट। इसी में अगर आप रैंक अगर हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए कि ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का रैंक आ जाएगा, भाई सबसे ज्यादा आईटी है ये है। तो हमने बजट डाल रखा, वरना बजट हटा देंगे तो आईटी ही होगा। ठीक है सर, तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो करना आ गया आप लोगों को, आप लोग ट्राई करके देखेंगे जरूर। यस अब कैलकुलेशन की बात करते हैं बिटवीन टू कॉलन। मेरे पास दो कॉलन के बीच में जो करना है उसके बारे में बात कर रहा है, जैसे कि मुझे सैलरी है, बोनस है, ओवरटाइम है, बट हमारे डेटा में टोटल इनहैंड सैलरी नहीं है, और मैं कॉलम इंसर्ट करके टोटल इनहैंड सैलरी यहां डालना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरा डेटा के अंदर छेड़छाड़ हो जाएगा, और कल के डेट में अगर दूसरा डेटा इसी के नीचे अगर अपेंड करना हुआ तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्या किया, इंसर्ट, हमने पिवट टेबल को सिलेक्ट करके ओके किया, और मैंने मान लीजिए कि सैलरी डिपार्टमेंट वाइज ले लिया कि टोटल सैलरी, बोनस एंड ओवरटाइम, तीनों का सम आ गया। अब इनका टोटल मैं यहां लिख सकता हूं, लेकिन वो पिवट का पार्ट नहीं होगा, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करके तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट वो पिवट का पार्ट नहीं होगा। पिवट जब इंक्रीज होगा तो उसको ओवरलैप करते हुए चला जाएगा। मैं चाहता हूँ पिवट का पार्ट हो, पिवट के साथ रहे, पिवट के साथ चले, पिवट के साथ अपडेट हो। तो हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ऊपर पिवट टेबल टूल्स में हमें एनालाइज दिखेगा, एनालाइज में हम आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा फिल आइटम सेट्स। तो फिल आइटम सेट में हम कैलकुलेटेड फील्ड को क्लिक करेंगे। अब यहां पे मैं लिखूंगा टोटल, और फिर यहां पे टोटल लिखने के बाद मैं यहां से सैलरी को सिलेक्ट किया प्लस, बोनस को सिलेक्ट किया प्लस, ओवर टाइम को सिलेक्ट किया और प्लस रह दिया, ओवर टाइम दो बार हो गया हाँ, एंड इसको ऐड किया एंड ओके। आप देखिए यहां पे मेरा टोटल आ गया। अब मुझे इस पर जीएसटी में टैक्स कैलकुलेशन जो है, जीएसटी टैक्स किसी तरह का टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो मैं कैलकुलेटर फील्ड में आ रहा हूं, मैं यहाँ पे जीएसटी लगाया, और फिर मैंने जो टोटल ऐड किया हुआ दिख जाएगा। मैं टोटल यहाँ सेलेक्ट किया और इसका मान लीजिए 18% हमने जीएसटी निकाल दिया,
फिर ऐड किया तो देखिए इसका 18% जीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया। तो आप इसी तरह से जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यहां पे आप यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये आता है कि क्या हम कैलकुलेशन ही कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, मतलब एक्सेल वर्कशीट का भी ऑप्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो हम एक्सेल वर्कशीट का भी फॉर्मूला, जो वर्कशीट फॉर्मूला होता है वो भी लगा सकते हैं। अब एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला इट मीन्स जैसे कि जो हमारे वर्कशीट के फॉर्मूले होते हैं ना, एक्सेल वर्कशीट की जो फॉर्मूले भी हमारे फॉर्मूले दिखते हैं, क्या इन फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने टैक्स कैलकुलेट किया है तो ये डेसिमल्स में आ रहे हैं ना, तो हमारे पास अगर कोई चीज डेसिमल्स में लिखी हुई है तो हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए राउंड का फॉर्मूला होता है कि उसको आप डेसिमल्स रिमूव कर दें, या फिर हमारे पास इंट का फॉर्मूला होता है जो कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या ऐसे फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे करेंगे? हम पिवट टेबल टूल्स में जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद फिल आइटम सेट में कैलकुलेटेड फील्ड पे आएंगे और मैंने लिख दिया यहाँ पे आर जी एस टी राउंड जी एस टी, और फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इंट का लगाया या फिर राउंड का लगाया जो आपको सुविधा हो, और हमने जीएसटी को इंसर्ट करके क्लोज कर दिया एंड इसको ऐड किया एंड ओके किया तो यहाँ पे जीएसटी आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या ऐसे ऐसे राउंड और इंट जैसे सिंपल फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं या कि कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले भी लगाया जा सकता है? तो चलिए हम एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमने ओवरटाइम दे दिया, मान लीजिए हमने ओवरटाइम का यहाँ टोटल दे दिया राइट, या ओवरटाइम आते हम लेते हैं परफॉर्मेंस स्कोर, तो परफॉर्मेंस स्कोर हो गया, तो परफॉर्मेंस स्कोर में ये बताया गया कि स्लैब दिया कि अगर आपकी स्कोर 20 से नीचे, आप डिपार्टमेंट की टीम लीडर को दिया गया है कि अगर आपके डिपार्टमेंट का स्कोर अगर बिलो 20 है तो आपको जो है 50,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, अगर 20-40 है तो आपको मिलेगा 75,000 का इंसेंटिव, अगर आपका अबव 50 है तो मिलेगा आपको 1,00,000 रुपीज का इंसेंटिव। तो मैं इसी की जगह पे इसका इंसेंटिव कैलकुलेट करना चाहता हूँ नेस्टेड इफ की मदद से, तो यहाँ पे INC के नाम से शॉर्ट बना देता हूँ और यहाँ पे इफ का फॉर्म में लगाता हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन। साजिद जी समझ रहे हैं ना आप? समझ रहा हूँ मैं। हाँ, हमने लेस देन इक्वल टू 20 दिया तो मैंने बोला यहाँ पे कि 50,000, फिर मैंने यहाँ पे अगेन एक इफ का फॉर्मूला लगाया और हमने परफॉर्मेंस स्कोर को सिलेक्ट किया और लेस देन इक्वल टू लिखा 40, तो हमने बोला 75,000 अदरवाइज 1,00,000 राइट, और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, दो इफ दो ब्रैकेट क्लोज करके हमने ओके कर दिया एंड कर दिया। आप देखिए आपके सामने इसका आया हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें किस तरह के फॉर्मूले, क्या सारे फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं? जी नहीं, आप अपना वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसका रिजल्ट नंबर में आता है। यहाँ पे क्योंकि ये कैलकुलेटेड फील्ड है, ये आपकी वैल्यू का सेक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही शो होगा, न कि कोई कोई टेक्स्ट शो होगा आपका, नहीं कोई टेक्स्ट कैलकुलेट होगा। तो जो भी फॉर्मूला जिसका रिजल्ट आउट हमेशा नंबर में आता है, डिफाइन है कि नंबर में आएगा, ऐसे फॉर्मूले को आप यहां पे यूज कर सकते हो। क्लियर है सर? क्लियर है। आप लोगों को डाउट है किसी को? नो सर। चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेटेड आइटम की। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ए है, एक वेंडर है हमारे, मैं चाहता हूं इनका इकट्ठा टोटल आना चाहिए, ठीक है?
तो इसके लिए हमने ग्रुपिंग तो किया था, लेकिन ग्रुपिंग में एक अलग फील्ड बन गया, मैं यहीं पे टोटल करना चाहता हूँ, तो मैं कैलकुलेटेड आइटम को यूज कर सकता हूँ। अब कैलकुलेटेड आइटम यूज करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कर्सर जो है ये इसी पे होना चाहिए। अगर आपने कर्सर कहीं और रखा और फिर इस पे जाएंगे तो कैलकुलेटेड आइटम आपका हाईलाइट नहीं होगा। सो यहां पे क्लिक कीजिए और आपका कैलकुलेटेड हाईलाइट हो जाएगा। अब कैलकुलेटेड आइटम इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ ऐसे है जो कि कैलकुलेटेड आइटम को रोक रहे हैं, तो हम दूसरा पिवट लगाते हैं इसमें। एंड हमने कैलकुलेटेड आइटम अब आ गया, तो कुछ ब्लैंक्स पार्ट थे इस कारण से नहीं हुआ था। अब यहां पे मैं करता हूं, मान लीजिए कि वेंडर, और फिर यहां पे हम इंसर्ट प्लस और इसको हमने ऐड कर दिया एंड ओके। यहां देखिए आ गया वेंडर। अब ए भी है याद रखिएगा, तो इसको आपको फिल्टर से हटाना पड़ेगा वरना फिर आपका टोटल डबल हो जाएगा, ये थोड़ी सी दिक्कत है सर, राइट। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेटर आइटम कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम होता है कि किसी ने आपसे पूछ दिया कि किसी का फाइल है आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के फील्ड आ रहे हैं डेटा आपके इसमें यहाँ पे आपके डेटा में नहीं है, तो आप यहीं पे अगर आप लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे तो एक नई सीट आएगी और उस नई सीट पे आपने कितने फॉर्मूले लगाए हुए हैं उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है सर? Hello? जी जैसे कि आपके पास फॉर्मूले, मान लीजिए कोई पिवट टेबल आया और आप जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह की कैलकुलेशन की गई है, तो फिल आइटम सेट पे जाएंगे और इसी में आपका आता है लिस्ट फॉर्मूला, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई सीट को ऐड करेगा और उसमें आपके जो भी फॉर्मूले की कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपके यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैलकुलेशन समझ में आ गया, कैलकुलेशन कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी एक चीज और जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमने इसी रिपोर्ट को बनाया हुआ है, राइट। अब इस रिपोर्ट को हमने फिल्टर का इस्तेमाल किया यहां से, जो हमारे पास मंथली, मान लीजिए मंथली हमारा है, ये हमारा मंथली फिल्टर है, तो जो मंथ का चाहिए उस मंथ को मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं, हमारा मंथ का टोटल यहां पे आ जाता है। ठीक है, हम जुलाई लिखते हैं तो जुलाई का आ जाता है, और यहां पे सितंबर लिखते हैं तो सितंबर का आ जाता है। तो जो मंथ हम यहां सिलेक्ट करेंगे उस महीने का यहां हमारे पास डेटा आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहां से इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूं, मुझे क्या है कि जितना महीना है ना उतने नंबर ऑफ सीट को यहां ऐड करना है और उसमें उस महीने के हिसाब से डेटा रखना है। जैसे कि मैंने एक सीट क्रिएट किया अप्रैल का, फिर मैं यहां से अप्रैल का डेटा इसी डेटा को उस पर रखना है। तो ऐसे आपको तो 12 सीट बना लोगे, अगर मान लीजिए कि अगर 50 हुए, 60 या 100 हुए, काफी टाइम लगने वाला है ना।
तो इसका शॉर्टकट तरीका है, क्या तरीका है कि आप अपने जो आपका जो पिवट टेबल का जो ऑप्शन है उसको उठाइए और फिल्टर में रख दीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलग अलग करना है उसको आप रख दीजिए किसमें, फिल्टर में। फिर आप एनालाइज पे जाइए और सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा पिवट टेबल ऑप्शन, उसमें आप जाइए, यहाँ एक ऑप्शन होगा शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, फिल्टर पेज सॉरी, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, उस पर क्लिक कीजिए। जो आपने यहाँ पे फिल्टर में जो फील्ड रखे होंगे उस फील्ड का लिस्ट आएगा, एक रखे होंगे तो एक आएगा और एक से ज्यादा रखे होंगे तो एक से ज्यादा आएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सीट पे डेटा चाहिए उस फील्ड को आप यहाँ सेलेक्ट करें एंड ओके करें। जैसे आप ओके करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड तो बहुत हो गया, आपको देखिए कि जितने भी फील्ड में आइटम उसमें फील्ड में लिस्ट में आइटम होंगे सबका सीट क्रिएट होगा, उसका पिवट पेस्ट होगा और उस पर आपका वही सितंबर है तो सितंबर ही सिलेक्ट होगा। मैं दोबारा बताता हूं कैसे किया हमने, ध्यान से देखिएगा। हमने अपना पिवट को तैयार कर लिया जैसा पिवट का डेटा चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है उसको हमने रख दिया मंथ में। उसके बाद हम पिवट टेबल टूल्स के एनालाइज में गए और यहाँ पिवट टेबल नेम के नीचे आपको दिखेगा ऑप्शंस, उस ऑप्शंस में हमने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, उस पर क्लिक किया तो जो हमने फिल्टर में जो फील्ड रखी हुई है वही फील्ड हमारा यहाँ शो करेगा। जिस फील्ड के अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें एंड ओके करें। जैसे ओके करेंगे विद इन सेकेंड में आपके सारे फाइल्स क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर? हिमांशु जी, मेहताब जी, समझ में आया? यस सर, यस सर। आप लोगों को? साजिद जी, समझ में आया? समझ में आ गया सर, मैं आज ऑफिस में ट्राई कर रहा था मैंने। अच्छा, यही चीज ट्राई कर रहे थे आप? हो गया था? हाँ हो गया था, वो आपका वीडियो देख के मैंने किया था आज। ओके, तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, इस फाइल पे आप लोग प्रैक्टिस करें और कुछ बनाएं और मुझे वापस भेजें, ठीक है? कल क्रिसमस है तो कल क्लास नहीं होगी, हम परसों आपके साथ कनेक्ट होंगे और परसों हम बात करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल की, ठीक है? तो पिवट टेबल की आपकी तीन क्लास और रह गई है। पहली है आपके एक्सटर्नल पिवट टेबल कि आप अलग अलग डेटा सोर्स से एज ए पिवट कैसे लगाएं। फिर आपके पास दूसरा टॉपिक आएगा हमारा स्लाइसर्स कि पिवट टेबल में हम स्लाइसर का इस्तेमाल कैसे करें। एंड तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा पावर पिवट कि पावर पिवट कैसा इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है? बस आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें क्योंकि पिवट टेबल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट एक्सेल का, क्योंकि हम मोस्टली बहुत सारे रिपोर्ट्स पिवट टेबल से ही कर लेते हैं, इसलिए पिवट टेबल की नॉलेज अच्छी तरह से होनी जरूरत है। ये सर बहुत आसानी हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैं लॉजिकल फार्मूला जो होता है वो यूज करता था, लेकिन अब बहुत टाइम मेरा सेव हो रहा है, मैंने ट्राई किया इसको। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट।